कुछ दिन पहले ही मैंने आप सभी को अपकमिंग रेनो काइगर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में बताया था और अब एक और बार फिर से रेनो काइगर को स्पाइड किया गया है, लेकिन इस बार कुछ और डिटेल सामने आई हैं जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलिए सबसे पहले नई स्पाइड इमेजेस की बात कर लेते हैं। इस इमेज में आप काइगर के फ्रंट एंड को काफी अच्छे से देख पा रहे होंगे, जहां पर इसको डुअल स्प्लिट हेडलैम्प्स वाला डिजाइन मिलता है हेडलाइट्स के लिए। बिल्कुल वैसा डिजाइन ही है जैसा कि टाटा हैरियर, हुंडई वेन्यू, रेनो क्विड में मिलता है। मेन हेडलाइट्स बम्पर में दी गई हैं जो कि एलईडी यूनिट्स हैं। ट्रिपल बैरल हेडलैम्प्स यूनिट आपको काइगर में मिलेंगी और इस हेडलैम्प यूनिट के ठीक ऊपर आपको एलईडी डीआरएस भी दिए गए हैं जो कि टर्न इंडिकेटर्स का काम करेंगे। बाकी ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है इस इमेज से काइगर के फ्रंट एंड डिजाइन के बारे में, लेकिन अगर आप इसके फ्रंट एंड डिजाइन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो फिर आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं काइगर पर, जिसमें मैंने इसके फ्रंट एंड डिजाइन को एक्सप्लेन किया है। चलिए अब आज इस वीडियो की मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है काइगर के इंटीरियर से जुड़ी। जी हाँ, काइगर के इंटीरियर भी स्पाइड किए गए थे, जहाँ पर हमें इसके फ्रंट डैशबोर्ड डिजाइन के बारे में पता चलता है। इस स्पाइड इमेज में आप देख ही सकते हैं कि काइगर को एक बड़ी फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगी। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसके क्लाइमेट कंट्रोल के ठीक नीचे दिया जाएगा। स्टेयरिंग पर आपको माउंटेड ऑडियो, MID और क्रूज कंट्रोल्स भी दिए जाएंगे। बाकी अगर इसके डैशबोर्ड डिजाइन की बात करूं, तो थोड़ा सा अर्गोनॉमिक वाइज ये उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसके AC वेंट्स को देखिए आप। ड्राइवर साइड का AC वेंट सेंटर के AC वेंट्स के काफी ऊपर दिया गया है, जो कि AC की कूलिंग की ओवरऑल डायरेक्शन को बदल देता है और इसके कारण AC की कूलिंग की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। साथ ही साथ इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी एक ऑड प्लेस पर दिया हुआ है, जहां यूजली आपको ये देखने को नहीं मिलता। एक और चीज जो मुझे इसके डैशबोर्ड के लुक्स में पसंद नहीं आई, वो है इसकी फ्लोटिंग टच स्क्रीन। फ्लोटिंग डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन स्क्रीन के साइड में दी हुई थिक बेजल्स बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये टच स्क्रीन कंपनी फिटेड कम और आफ्टर मार्केट फिटेड ज्यादा लग रही है। चलिए अब इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। काइगर में आपको दो पेट्रोल इंजन मिलेंगे। एक होगा 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 72 PS की पीक पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा और दूसरा इंजन होगा 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन, जो कि 100 PS की पीक पावर और 160 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। अब बात करते हैं काइगर में आपको कौन से फीचर्स मिलेंगे। तो इस सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में आपको फ्लोटिंग 8 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक, LED हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक AC, LED DRS, LED टेल लाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर AC वेंट्स, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, फ्रंट एंड रियर USB चार्जिंग सॉकेट्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स और सनरूफ जैसे फीचर्स आपको इस SUV में मिलेंगे। बाकी अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूं, तो इस SUV में आपको अप टू 4 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। अब आखिर में इसके प्राइस, इंडिया लॉन्च और कॉम्पिटिशन की बात कर लेते हैं। रेनो इसको 5.25 लाख से लेकर 8 लाख के बीच प्राइस करेगी और इसका इंडिया लॉन्च इस साल के फेस्टिव सीजन में हो जाना चाहिए। और लॉन्च होने के बाद ये SUV हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, अपकमिंग टाटा HBX और अपकमिंग निसान मैग्नाइट जैसी SUVs के साथ कम्पीट करेगी। और बाकी जितनी भी SUVs इस सेगमेंट में आती हैं, उनके साथ भी इनडायरेक्टली ये कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग रेनो काइगर से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।